हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे आप ब्लैक एंड कोलर इफेक्ट फोटो एडिट करें। कुछ इस टाइप से फोटो एडिट हमारी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में सिंपली चले आना होगा। जिस भी फोटो को आपको यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे शेयर वाले आइकन पे यू करके एक बार टैप कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे ये ओपन हो जाता है, आपको क्या करना होगा, लाइटरूम ऐप ढूंढ के इसको यहाँ पे शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी फोटो यहाँ पे लाइटरूम ऐप में आ चुकी है। आने के बाद गाइस, आपको करने का होगा, सबसे पहले सिंपली यहाँ पे एडिट्स वाला एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यू करके एक बार टैप कर लेंगे। सो गाइस, जैसे ये ओपन हो जाता है, आपको करने का होगा, यहाँ पे कलर्स वाले टूल्स पे यू करके एक बार टैच कर देना होगा। जैसे गाइस ये टैप करते हैं आप लोग, यहाँ पे आपके साथ सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे इसके जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा लेना होगा, इसको प्लस 18 कर लेंगे। देन आपको करना क्या होगा, इसकी जो टिंट है, टिंट के अमाउंट को आपको क्या करना होगा, प्लस 22 कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड चले आना होगा। यहाँ पे इसकी जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस के अमाउंट को यहाँ पे प्लस 10 कर लेंगे। सर, आपको गाइस करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ऊपर साइड आपको कलर्स मिक्स टूल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यू करके एक बार इस पर टच कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे आप लोग इस पर टच करते हैं, आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोनिंग क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पे स्किन की टोनिंग को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर पर सिंपली चले आना होगा। जैसे गाइस आप लोग इस पर चले आते हैं, आपको करना क्या होगा, इसकी जो ह्यू है, ह्यू के अमाउंट को यहाँ पे घटा के यहाँ पे -5 कर लेंगे। देन इसकी जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन के अमाउंट को आपको करना क्या होगा, प्लस 13 कर लेना होगा। सो गाइस, जितना हो जाता है, आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड यहाँ पे इसकी जो ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, प्लस 28 कर लेंगे, जिससे कि आपकी जो स्किन है जो कि ब्राइट हो जाएगी। सो गाइस, देन इतना हो जाने के बाद आपको ओवरऑल आप करना क्या होगा, यहाँ पे येलो कलर पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो ह्यू है, इसके अमाउंट को -100 कर लेंगे। एंड इसकी जो सैचुरेशन है, इसके अमाउंट को भी आपको -100 कर लेना होगा। एंड इसकी जो देख सकते हैं ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको घटा के यहाँ पे -56 कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको सिंपली ग्रीन कलर पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं ह्यू है, ह्यू के अमाउंट को आपको कर लेना होगा यहाँ पे प्लस 100 कर लेंगे। सो गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको जो देख सकते हैं इसकी जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन के अमाउंट को -100 कर लेना होगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ह्यू है, इसको आपको माइनस कर लेना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतना जैसे हो जाता है, आपकी जो इसकी जो ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस के अमाउंट को आपको बढ़ा लेना होगा, यहाँ पे प्लस 46 कर लेंगे। ओवरऑल का जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको करने का होगा, सिंपली चले आना होगा सैन कलर पे। सैन कलर पे आने के बाद इसकी जो ह्यू है, इसके अमाउंट को -100 कर लेना होगा। एंड इसकी जो सैचुरेशन है, इसके अमाउंट को भी -100 कर लेंगे। सो गाइस, जैसे इतना कंप्लीट हो जाए, तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर लेना होगा डन। डन करने के बाद गाइस, आपके यहाँ पे फोटो की क्वालिटी को आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पे चले आना होगा। जैसे गाइस इफेक्ट टूल्स पे आप लोग आ जाते हैं, आपको करना होगा कि इसकी जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी के अमाउंट को यहाँ पे प्लस 36 कर लेंगे। इसकी जो डीएनजे, डीएनजे को भी बढ़ा के यहाँ पे प्लस 14 कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको क्या करना होगा, सिंपली विग्नेटे पे चले आना होगा। इसके विग्नेटे के अमाउंट को यहाँ पे आपको -40 कर लेंगे। 40 करने के बाद गाइस देख सकते हैं, इसकी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। आपको बढ़ाने के बाद इसको कर लेना होगा यहाँ पे 10 के अराउंड कर लेना होगा। आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको इसकी फीडर्स है, फीडर्स पे सिंपली चले आना होगा। फीडर्स के बढ़ा के यहाँ पे प्लस 64 कर लेंगे। एंड जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है गाइस, इसकी जो राउंडनेस है, राउंडनेस को यहाँ पे -14 कर लेना होगा गाइस। एंड आपको अब करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल्स वाले टूल्स पे यू करके एक बार टाइप कर देंगे। सो गाइस, जैसे ये ओपन हो जाता है, आपको करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं शार्पनिंग का अमाउंट है, अमाउंट को यहाँ पे प्लस 20 कर लेंगे, जिससे कि आपकी फोटो की यहाँ पे स्मूथनेस बढ़ जाएगी। एंड इसके जो कलर्स नॉइज़ रिडक्शन है, यहाँ पे चले आएंगे, इसके अमाउंट को यहाँ पे प्लस 30 कर लेंगे। एंड इसके जो देख सकते हैं कलर नॉइज़ रिडक्शन है, सॉरी यहाँ पे नॉइज रिडक्शन था पहले, आप यह कलर नॉइज रिडक्शन पे आ जाएंगे, इसके अमाउंट के यहाँ पे प्लस 16 कर लेंगे। सो गाइस, ओवरऑल इतना हो जाने के बाद हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। बिफोर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। सो गाइस, इस फोटो को आपको सेव करके यहाँ पे सेव करना होगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे शेयर वाला यू करके एक बार इस पर टच कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे ये ओपन हो जाता है, आपको करना क्या होगा, सेव को कॉपी डिवाइस का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यू करके इस पर एक बार टच कर देना होगा, जिससे कि आपकी फोटो की क्वालिटी यहाँ पे फुल क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस, फोटो एडिट कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा एंड बाय बाय।